इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट अपने पोलिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो की पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाके चेक कर लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, वरना आप प्रॉपर तरीके से अपने पोलिंग स्टेशन को चेंज नहीं कर सकते। जो प्रोसेस मैंने बताया, इस एप्लीकेशन को पहले सबमिट कर लीजिए। अगर इस एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपकी काम ना हो तो आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करिए, पोलिंग स्टेशन चेंज हो। उसी के बारे में प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मोबाइल में ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है NBSP। टाइप करने के बाद सर्च कर देना है, फर्स्ट जो लिंक आपको मिलेगा इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरा और एक पेज में ले जाएगा, यहाँ थोड़ा वेट करना है और पेज में ले जाएगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, मतलब रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करके आप लॉग इन कर लेना है। हमारा ओटीपी आ चुका है, मैं उसको फिल कर लेता हूँ। 851830 लॉग इन। इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आप स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे एक फॉर्म मिलेगा, फ्रॉम 8, ये जो आप देख रहे हैं फ्रॉम 8 शिफ्टिंग एंड करप्शन, आप यहाँ क्लिक, जिसकी वोटर आईडी नंबर से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया अगर उसके लिए करना है, उसी वोटर आईडी कार्ड में करप्शन करना है तो आप सेल्फ और अपने परिवार या अपने एरिया की और किसी की करना है तो आदर्श पर क्लिक करना, ऑर्डर आईडी नंबर टाइप करना और सबमिट करना। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, आप यहां से दूसरे ऑप्शन चूज करना और ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करने के बाद इस बंदे की वोटर आईडी कार्ड में जो डिटेल्स है नीचे ऑटोमेटिक शो होगा, आप स्क्रॉल करके नीचे आना। नीचे आने के बाद आप एड्रेस पर इस प्रकार टिक कर देना, उसके बाद आप स्क्रॉल करना, यह अपने हाउस अपॉइंटमेंट नंबर बिल्डिंग नंबर टाइप करना, नीचे ऑटोमेटिक लोकल लैंग्वेज में शो होगा। अगर लोकल लैंग्वेज में सही नहीं होता है तो आप सही कर लीजिए, या लोकेलिटी टाइप करिए, नीचे ऑटोमेटिक लोकल लैंग्वेज में शो होगा। अगर गलत है तो सही कर लीजिए, विलेज टाउन टाइप करिए, पोस्ट ऑफिस टाइप करिए, पिन कोड टाइप करिए, तहसील ये आप वहां टाइप करिए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना। चूज फाइल पर क्लिक करने से पहले आप ये काम करना है, आप पहले से एक फोटो क्लिक करके सही तरीके से अपने मोबाइल से साफ करके रख लेना है। अगर यह से चाहे तो आप कैमरा से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अपने कैमरा की जो फोटो है ये सही तरीके से नहीं होता है, योर क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप पहले से फोटो क्लिक करके रखिए और फाइल पर क्लिक करके जहां पर अपनी फोटो है यहाँ से अपनी फोटो अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करना है और ये जो कैप्चा है नीचे फिल करना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है, आपके सामने पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा। आप एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लीजिए, अपनी जो एड्रेस फिल किया है ये सही है या गलत है, आपकी डॉक्यूमेंट के साथ मैच हो रहा है या नहीं, आप सही तरीके से चेक करके उसके बाद फाइनल सबमिट कर लीजिए। अपनी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा और अपनी पोलिंग स्टेशन चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर आप इस प्रोसेस से काम करते हैं तो 100% अपनी पोलिंग स्टेशन, अपने वोट केंद्र चेंज होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।